third umpire on duty today. Ali Imran through the defences of Praveen Gupta. What a line to bowl and the length. The batsman rooted to the crease and the line was near perfect. You miss, I hit. Bit of inside edge and he's got to go. He's got to take the long walk back to the pavilion. And this man is on a... Or perhaps he'll leave that for Abhishek Sharma, but the important thing is to get right behind the line. As yet the feet Uttapa. Again the ball came in. Lovely seam position, good movement into the batsman. Yet to see that one straightened outside the off stump from Imran. But generally they're hit. Assalamualaikum, मैं हूं सलीम अकबर और आप देख रहे हैं चिट चैट सलीम अकबर। नाज़रीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ हैं, नहायत ही आला फास्ट बॉलर, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान अंडर 19 खेल चुके हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 16 साल इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ओवर 215 इनकी फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अली इमरान पाशा से। अस्सलामुअलैकुम इमरान, और वेलकम टू माय शो चिट चैट विद सलीम अकबर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच टू हैविंग मी इन योर शो, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। थैंक यू यार, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो आपने टाइम दिया। थैंक यू किस बात का जी, आप मैं पहले भी करना चाह रहा था आपके साथ, बस कुछ मामला नहीं ऐसे हो रहे थे, टाइम नहीं निकल पा रहा था। असल में लास्ट 2 मंथ्स हो गए तक इधर जॉब पे आ गए मैं जी, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। चलें कोई बात नहीं। तो इमरान, जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था और क्या आपके माइंड में आपने फास्ट बॉलर ही बनना क्यों पसंद किया? जी स्टार्ट में तो मैं था ऑफ स्पिनर था, तो मेरे बड़े भाई आकिफ अली हैं, वो भी गुजरांवाला से खेले मैं फर्स्ट क्लास ना जी। तो इंस्पिरेशन तो वही था, घर में वो बड़े थे, वो क्रिकेट में उनका लगाव भी काफी था, तो उनके साथ ही घर में खेलना, फिर बाद थोड़े बड़े हुए तो उनके साथ क्लब में भी ज्वाइन किया। तो स्टार्टिंग में ऑफ स्पिनर था, अंडर 16 लेवल तक एज ऑफ स्पिनर ही मैं डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 गुजरांवाला अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट में भी खेला, एज ए ऑफ स्पिनर ही खेलना था। अच्छा। तो फिर ये है के साथ फिर स्कूल में भी और थोड़ा मोहल्ला लेवल पे भी टेप बॉल साथ खेलता था, तो उसमें पेस अच्छी थी टेप बॉल में। तो फिर पाकिस्तान अंडर 17 के ट्रायल आए थे, उसमें अंडर 15 के, तो उसमें एज ए ऑफ स्पिनर ट्रायल ले रहा था, तो कोई मतलब भाई भी साथ थे, वो देख रहे थे कोई ना, जहाँ बैट्समैन को देखते थे ज्यादा, तो फास्ट बॉलर आता था उसको रन अप से लेके एंड तक नोटिस किया जाता था ना, तो जो स्पिनर आते हैं तो सेलेक्टर्स उनसे आपस में बातें करने शुरू हो जाते हैं, नोटिस नहीं करता। तब फिर बड़े भाई ने भी कहा कि साथ साथ फास्ट बॉलिंग भी किया करो। फिर वो हमारी लोकल रावल की एक टीम थी यंगस्टर टेप बॉल की ना, तो उनके साथ भी खेलना शुरू किया। उधर भी वो एक क्लब में दोस्त है काशिफ भाई, तो उन्होंने भी भाई को फोर्स करना शुरू किया कि इसकी टेप बॉल में अच्छी पेस होगी तो आप इससे क्यों स्पिन बॉलिंग करवाते हैं, तो फास्ट बॉलिंग करवाएं आप ना। फिर ऐसे ही क्लब में नेट में उन्होंने नया बॉल मुझे देना शुरू कर दिया, मैं स्विंग अच्छा करता था इन स्विंग शुरू रहना, तो नया बॉल मुझसे करवाना शुरू कर दिया। फिर मैचेस में भी सीधा नया बॉल, पहले 3-4 ओवर स्पेल कर लिया और फिर 2-3 ओवर ऑफ स्पिन कर लिए, फिर फास्ट बॉलिंग की तरफ फिर स्टार्ट हो गया। फिर पहले साल अंडर 19 खेला हूँ गुजरांवाला से,
तो उसमें दो मैचेस मिले थे, उनमें दो मैचेस में 10 आउट किए, हम रेलीगेट हो गए। तो वेरी नेक्स्ट ईयर भी मैंने 7 मैचेस में 50 आउट किए, चैंपियन भी हुआ, वापस ग्रेड वन में आ गए। पर फिर उस टाइम रीजन बन गया था, अंडर 19 में रीजन से खेला लास्ट ईयर। अच्छा, तो शुरू के दिनों में जब आप फास्ट बॉलर बनना चाह रहे थे, आपके कोई टीचर थे, किन से आपने फास्ट बॉलिंग सीखी? जी, स्टार्टिंग में इनिशियल तो हमारे क्लब में थे, उनके क्लब में खेला था बनपरत मसूद बोला, आपने भी नाम सुना होगा उनका। Exactly. तो वो थे, वो नेट्स में तो वही शुरू में गाइड करते रहे। तो फिर उनसे ही जो स्विंग का था शुरू का कुछ आइडिया उन्होंने ही दिया था, तो इसी तरह फिर क्रिकेट खेलते रहे तो ग्रोम होते रहे। कप्तान बोला जो है हमारे साथ भी, वो काफी उन्होंने काम किया हुआ है, हमारे भी मेंटोर है माशाल्लाह। फिजिकल फिटनेस के ऊपर बड़ी जो है ना वो तवज्जो देते थे। आपकी फिजिकल फिटनेस की रूटीन वगैरह उस वक्त क्या होती थी, कितनी मेहनत करते थे, किस तरह करते थे आप, शौक था आपको? हाँ जी, इनके पास भजन बोला और बनारस जत्ता था, ये लोग खुद भी काफी मेहनत करवाते थे, मतलब बंदे को करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो हमारा बकायदा जैसे नेट शुरू होना तो पहले आधा एक घंटा वार्म अप्स होते थे, फिर इतना नेट स्टार्ट, जब नेट फिनिश हो जाता था तो फिर एक घंटे एक कप फील्डिंग सेशन होता था, उसमें भी काफी ड्रिल्स होती थी, तो वो फिजिकल काफी फिटनेस वर्कआउट हो जाता था उस पर भी। फिर जब से फिर उसके अलावा फिर जब प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट हुई है तो फिर उसमें जाहिर बात है फिर और थोड़ा अपने आप को स्पेशल टाइम प्लस फिर जिम ट्रेनिंग भी आ जाती है, फिर वो स्टार्ट हो गई, फिर ग्राउंड ट्रेनिंग, दोनों चीजें थी। तो ये है कि नर्सरी जो सी थी वो भजन बोला और भजन जट्टा की थी, तो वो करवाते रहे साथ। तो आप पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से माशाल्लाह खेले हैं 2004 में। हाँ जी, और वो आप लोग उस टीम का एजाज था कि आप लोग चैंपियन हुए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अंडर 19। हाँ जी, उसके बारे में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी, पाकिस्तान के लिए खेलना था एजाज की बात है, और फिर ऐसे इवेंट में जब जूनियर वर्ल्ड कप था तो एक खाब, तब तो जब अंडर 19 खेल रहे थे तब यही एक गोल सेट किया हुआ था कि पाकिस्तान अंडर 19 खेलनी है। तो फिर लकीली वर्ल्ड कप में भी नाम आ गया, उससे पहले एशिया कप खेला था मैं अंडर 19 का 2003 में, तो उसमें एक मैच मिला था, बड़े के थोड़ा एक्सपोजर मिल गया था। फिर उसके बाद जो था रीजन, तब सियालकोट रीजन से मैंने सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था पाकिस्तान का, तो फिर उस टाइम पे मेरा वर्ल्ड कप में नाम आया था। तो उधर एक मतलब जैसे ख्वाब सा था वो सच हुआ। फिर दूसरे टीम, एक स्टैंडर्ड तो था सभी टीम उसमें, बल्कि हर बैच में बाकी टीम सभी तीन तीन चार चार प्लेयर खेले हैं इंटरनेशनल में, मतलब तो एक अच्छा टफ कंपटीशन था सभी के साथ, इसमें खेले हम। आपके उस स्क्वाड में कौन से और दूसरे लड़के थे जो आपके साथ खेले और बाद में वो पाकिस्तान खेल गए? हमारे स्क्वाड में जैसे एक रियाज अफरीदी था, वो भी खेले थे टेस्ट मैच, और वहाब रियाज थे, जुल्कनान हैदर विकेटी पर जो थे, और खालिद लतीफ, फवाद आलम और मंसूर अमजद, ये सभी खेल रहे हैं पाकिस्तान में। और हाँ यही था, बाकी टीम्स में भी जैसे इंटरनेशनल इंग्लैंड में सर ये थे, लेस्टर कुक था, और रवि बुपारा, टिम ब्रेसनन, लंकेट, और काफी और भी, वो स्टीव डेविस था, वो था, और काफी काफी प्लेयर्स थे इंडिया से भी, ये धवन, उथप्पा, रायडू, आर पी सिंह थे, दिनेश कार्तिक थे, और इसी तरह हर टीम में काफी बड़े बड़े नाम थे। उस वर्ल्ड कप में आपकी कोई बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी आपको याद है जिसको आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया हो? मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस विकेट वाइज तो नहीं थी वो, पर स्पेल वाइज एक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था, उसने काफी फास्ट स्पेल किया था, बॉलिंग भी मतलब काफी थ्रेटनिंग की थी, तो वो एक मतलब वो एक वो स्पेल था। और एक इंडिया के खिलाफ भी सेमीफाइनल में 2 आउट किए थे, क्योंकि उसमें हमारा टारगेट था शेखर धवन, उसने टूर्नामेंट में 500 रन बनाए हुए थे, तो हमारा टारगेट यही था कि इसको अगर अर्ली ऑन हमने आउट कर लिया तो हम इंडिया को पकड़ लेंगे, तो मैंने सेकंड ओवर में ही उसको आउट कर दिया।
तो उससे पहले इंडिया उस जमाने में हम लोग इंडिया से जीत जाते थे हैं उससे पहले बल्कि हम अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी आईसीसी के इवेंट में हम फर्स्ट टाइम जूनियर टीम भी नहीं थी जीती हुई ना 2002 में भी हम लॉस किए थे अगेंस्ट इंडिया आई थिंक आईसीसी के इवेंट में हम इंडिया को हराए गए ये भी मतलब मेरा ख्याल से हिस्ट्री होगी क्योंकि बाकी किसी इवेंट में हम इंडिया को नहीं हराया हुआ था रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं उनसे जो 2017 की तो बाकी वो जीते होंगे सर तो अंडर 19 के बाद वहां से लेके फर्स्ट क्लास तक का जो आपका सफर था उसमें आपने क्या फर्क स्टैंडर्ड वाइज महसूस किया और अपनी बॉलिंग में आपको क्या लगा कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है अंडर 19 के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाहिर बात है कि आपके सामने बड़े मैच्योर बैट्समैन आ जाते हैं और टेक्निकली भी वो साउंड होते हैं मेंटली भी बहुत टफ होते हैं तो उसमें फिर ये था कि आपको स्किल डेवलप उनके अगेंस्ट आपको स्किल डेवलप करना पड़ता ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा पेस और जो सा बॉलिंग आप अंडर 19 की तरह कर रहे हो तो वो मतलब आपको थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है आपकी एक्यूरेसी में भी आपकी बॉलिंग स्किल्स में भी स्विंग्स में तो वो आप उसी टाइप के बैट्समैन को डिस्टर्ब कर सकते हैं जाहिर बात है सर्टन एज लेवल में तो आप अगर आप अच्छे हो तो आप उधर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते तो फिर आपको खुद भी मेंटली भी टफ होना पड़ता फिजिकली भी क्योंकि वो ज़्यादा टफ क्रिकेट है मार्जिन ऑफ एरर कम रह जाता वहां पे बिल्कुल इच्छा फिर ऊपर से ये कि आप जब जूनियर होते हो तो फिर आपको उस तरह लिफ्ट भी नहीं कराई जाती सब हमारा जिस तरह कल्चर है तो फिर आपको कुछ स्पेशल करना पड़ता कि दिखाना पड़ता कि नहीं भाई हम भी हैं असी भी थे कुछ करन आए हुए हैं बिल्कुल इसी तरह तो फर्स्ट क्लास में आपकी कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है फर्स्ट क्लास में अभी स्टार्टिंग में मैंने जब रीजन से पहला मैच स्टार्ट किया तो मैं मतलब डेब्यू तो मेरा गुजरांवाला एसोसिएशन से हुआ था वो तब 2003 में ही आई थिंक वो 2002-03 का सीजन था तब अंडर 19 में मैंने 50 आउट्स किए हुए थे तो उन्होंने ये बॉडी जो दूसरी थी उस टाइम ये फेमस बट्टी साहब की तो उन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास में भी चांस दे दिया दो मैचेस खेला था उसमें दो दो एक एक आउट किया था तो अब इतना मैच्योर नहीं था क्योंकि एक वर्ल्ड कप के बाद जब मैं रीजन से पहला मैच खेला तो मैंने रीजन के डेब्यू में 5 आउट किए थे तो उसके बाद भी फिर जो आप बेस्ट कैरियर बेस्ट है वो मेरी 2016 के सीजन में PIA से अगेंस्ट कराची था मैंने 7/21 or 22 आई थिंक किए थे तो मैंने 10 मतलब अपने 10 बॉल में 4 for 5 आउट कर दिए थे तो ये मेरी करियर बेस्ट थी फर्स्ट क्लास की और हैट्रिक भी 2011 में मैं हाईएस्ट विकेट टेकर हुआ था उस सीजन भी काफी परफॉर्मेंसेस थी उसमें एक हैट्रिक की थी एबटाबाद के खिलाफ सेकंड ओवर में न्यू बॉल के साथ की थी वो भी उसमें भी उससे पहले मेरे 2016 के मैच से पहले बेस्ट फिगर वही थी मैच बेस्ट फिगर तो मेरी वही है ओवरऑल मैच में मेरी 12 विकेट थी थोड़े रन थे इतने रन से नहीं थे फर्स्ट क्लास के लेवल पे आपको कौन सा बैट्समैन सबसे मुश्किल लगा फर्स्ट क्लास के लेवल पे मुझे सबसे मुश्किल लगे हैं इमरान नजीर भाई वो मतलब जब प्रॉपरली ग्राउंड शॉट्स खेल रहे होते थे ना तो उनके पास बहुत टाइम होता था मतलब वो मुझे मतलब उनको आउट भी किया है पर जब एक मैच में उसी मैच में सेम इनिंग में मतलब मैं जब वो बॉल करता था तो बड़े आराम से मेरे बॉल को मैनेज करते थे मर्गदार पे हम खेल रहे थे तो उस टाइम वो बड़ा फोकस करके खेल रहे थे तो वो उनको उस टाइम बड़ा मुश्किल हो रहा था बॉल करना अच्छा आपकी मैंने परफॉर्मेंसेस चेक किए आपके स्टैट्स माशाल्लाह 215 नियरली विकेट्स हैं आपके फर्स्ट क्लास में 39 का स्ट्राइक रेट है इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है एवरेज भी बहुत अच्छी है 3 दफा आपने 10 आउट किए हुए हैं
9 दफा आपने 5 आउट किए हुए हैं, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स के बावजूद क्या वजह हुई कि आप आगे ज्यादा नहीं खेल सके, और आपकी इंजरी की वजह क्या बनी फिर? 2011 में मुझे बेसिकली इंजरी आई थी, उसमें मैंने उस सीजन टॉप भी किया था, तो एंड ऑफ द सीजन मुझे नी में थोड़ा पेन का इशू आ गया था, तो जब फाइनल खेला था उसमें मैंने बेस्ट बॉलर हुआ, उसमें थोड़ा नी पेन मुझे ज़्यादा हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने जो था 2-3 वीक का गैप है तो उसमें रेस्ट में जिम वर्कआउट किया, तो फॉर द टाइमिंग मुझे वो पेन मतलब खत्म होगी, तो उसी दौरान फिर मुझे वो कहे पाकिस्तान टीम के कैंप में कॉल आ गई, उसमें टूर गेम था इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसमें मैं कैंप में 2-3 दिन ठीक पर बॉलिंग किया, फिर लास्ट डे जब दुबई जाने से एक दिन पहले हल्की सी पेन फील हुई है, तो फिर उसमें बॉलिंग का उधर दुबई जाके प्रैक्टिस में किया, तो फिर वो ज़्यादा वर्स्ट हो गया, उसके बाद फिर वो जो कैरियर अब सिदाई हुआ था पीक पे था, उस टाइम जब इंजरी आई है तो ऊपर वो टाइम भी मेरा पीक टाइम था, मतलब कहने के वो टाइम ऐसा था उस पर मैं पेस वाइज भी अपने पीक पे था, और बॉलिंग स्किल वाइज भी मतलब बॉलिंग की नो हाउ हो गई थी कि स्विंग का आइडिया हो गया था, पहले तो अंडर 19 के बाद अब वो कहने के जंगली घोड़े की तरह होते हैं, बस आके हूँ हाँ कि कोई पता नहीं कि मतलब उतना कंसिस्टेंट नहीं होते लेंथ पे, कभी ज़्यादा पेस पर रिलाई कर रहे होते हैं, फिर ये कि उस टाइम पे जो इंजरी आई, फिर उसके बाद मैं 3 साल क्रिकेट नहीं खेला ना, फिर मेरा कम बैक हुआ 2014 में, तो उसमें भी अनफॉर्चुनेटली मेरी तब मैं वेरी फर्स्ट सीजन था इंजरी के बाद मेरे, जब मुझे 38 विकेट थी तो टॉप वाले की 42 थी मेरे, उस मैच में मैंने ऑलरेडी 10 आउट भी किया तो मुझे साइड स्ट्रेन हो गया, तो वो ये 2 इंजरीज जो थी ये फिर मुझे कैरियर का बड़े क्रिटिकल टाइम पे आई हैं, फिर उसके बाद फिर नहीं खेला, ज़्यादा नहीं खेला, फिर एक आध उससे नेक्स्ट सीजन 2 मैचेस खेला हूँ, फिर मसल एक इंजरी हो गई थी, तो मेरा इसी मुझे जो लगता है कि वो बीच में जो 3 साल गैप रहा ना उसमें फिर कोई एक्टिविटी नहीं थी भी नहीं इंजरी तो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, तो बॉडी इतनी यूज टू नहीं रही, क्योंकि जाहिर बात है 3 साल आप बॉलिंग ना करें तो वो डिफरेंट पाकिस्तान में कौन पूछता ग्राउंड से बाहर हो जाता, कोई किसी को कोई कोई भी आपको नहीं पूछता, तो आपका इतना प्रॉमिसिंग स्टार्ट था, और 2011 में आप डिपार्टमेंट तो खेल रहे थे, डिपार्टमेंट के थ्रू हमें मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं वो तो अवेल की थी, फिर जाहिर बात वो भी एक वो, मतलब सर्जरी करवाई थी तो उसमें सपोर्ट थी डिपार्टमेंट की, फिर बाकी पीसीबी के साथ सारी बात हम मैं रीजन से नहीं था खेल रहा, रीजन से हो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो होते हैं फिर बोर्ड उनको पता मेरा लगे रिहैब के लिए, मैंने फिर उनको एप्लीकेशन दी थी एनसी में तब तो उन्होंने फिर मुझे उसमें बुलाया था रिहैब के लिए, 2 वीक्स उन्होंने रख के मुझे ट्रेनिंग दी थी कि ये एक्सरसाइज आपने करनी है, तो फिर वो एक्सरसाइज जाके मैंने की थी, तो यह कि वो भी मैं करता रहा था, बाकी ये है कि उस तो कोई नहीं लुक आफ्टर की जाती थी तब तक तो कोई नहीं थी ना, अब फिर शायद अब भी करते हैं, जब क्योंकि अब शायद बोर्ड की टीम में तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है उनको भी बोर्ड लुक आफ्टर करता है, अब जो डिपार्टमेंट्स की टीम है उसमें बस यही है कि बस वो आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही होती है वो आप अवेल कर सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर आपको उस वक्त कोई सपोर्ट होती प्रॉपरली तो आपकी ये इंजरीज जो थी इनसे आपका बचाव हो सकता था और आपका कैरियर एक डिफरेंट लेवल पर जा सकता था उस टाइम पे? आज ये है कि जैसे हमारी टीम के साथ डिपार्टमेंट की टीम थी तो हमारे साथ कोई ऐसा कोई फिजियो नहीं होते थे, ट्रेनर्स भी नहीं थे, हम पर्सनल ट्रेनिंग मतलब एक टाइम मतलब उसमें आपने जो कोच ही ट्रेनिंग करवा रहे होते वही करते हैं, मतलब प्रॉपर ट्रेनर और फिजियो नहीं था, अगर मतलब पीए स्टाफ होता था तो फिर जाहिर बात आप मैच टू मैच रिकवर भी करते जाते हो, आपको प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग और आपको जो है फिजियो वगैरह आपको रिकवरी भी करते हैं, मसाज भी करते हैं, मतलब जो आपको इशू चाह रहे हो साथ साथ रिजॉल्व होते जाते हैं, पर जब ना हो रहे हो तो फिर जाहिर बात है फिर
आप एक फटीक कैरी करते 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 वो फिर कहीं ना कहीं उसका असर आ जाता है। ऊपर से दूसरी एक चीज के हमारे वो मैचेस में ये होता है कि 4 दिन के मैच के बाद 2 दिन का गैप होता है, उसमें 1 दिन ट्रैवलिंग में चला जाता है, तो स्ट्रेट अवे आपने मैच के बाद ट्रैवलिंग करनी होती, तो वो एक आध दिन इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती बॉडी की। स्पेशली मेरे इधर मैं था स्किनी, तो अब फैट्स लेवल इतने नहीं है, तो वो भी इफेक्ट करता है समटाइम। कई जगह फैट्स लेवल बुरे भी होते हैं, कई जगह आपको फैट्स लेवल आपकी हेल्प भी कर देते हैं ना। आपके टाइम पे ये न्यूट्रिशन लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल थी? आपको पता था किस तरह की खुराक खानी है, नान छोले खाए जा रहे हैं? देखो तब तक कोई नहीं था ऐसा कॉन्सेप्ट, अब आखिरी 2-3 सालों से हो गया इसे कॉन्सेप्ट आया था। उस टाइम पे तो वही जो आप नान छोले कोई भी जो भी चीज खा रहे, कोई नहीं कोई कॉन्सेप्ट, वही देसी माहौल ही था जिस तरह जो आपको रेडियो से खाना, रेडियो खा रहे हैं उधर से खा रहे हैं इधर से खा रहे हैं, कोई नहीं हाइजेनिक नहीं होती थी चीजें, बहुत चस्के वाली चीजें होती। जिसने कह दिया क्या खा चंगी होती है। हाँ जी इसी तरह जो खा लो खा लो, बाकी थे तो पहलवानों के शहर के पर चिड़े चिड़े टाइप थे। पहलवानी की इतनी अलग था, पहलवानों के नाल ही रहे हो सिर्फ है। हाँ जी वो स्टेडियम के साथ होता था। उनका खड़ा होता स्टेडियम के साथ, आपने भी देखा ना। एग्जैक्टली हम लोग तो वो गर्मियों में जब ट्रेनिंग करते थे ना, तो वो 7 पहलवान आ जाते थे रनिंग वगैरह करने, ट्रेनिंग गर्मियों में फुटबॉल वगैरह हम उनके साथ खेलते होते थे। और मैं शुक्र है कि मैं जरा फिजिकल स्ट्रांग होता था, तो मैं तो जाके एक दो टक्कर लगा देता था, जो बाकी जो 2-4 यार दोस्त थे ना आपके जैसे, वो जरा परे परे रहते थे। आपकी टक्कर फिर उन पर निकलती होगी ना। वो कहते थे कि यार ए पीड़ा वे है। पास वाला है वो जैसा ही मोटा था पतला पर होता पीड़ा ही है। एग्जैक्टली तभी तो फास्ट बॉलिंग कर रहा था। फास्ट बॉलिंग का भी काम वो गधे घोड़े वाला ही है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला आपने। कितनी आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई जब आपको रियलाइज हुआ कि यार अब मेरा जो चांसेस हैं इंजरी की वजह से या जैसे भी हैं कि पाकिस्तान के आगे मेरे खेलने के चांसेस कम होते जा रहे हैं, हाउ डिसअपॉइंटेड वाज यू? काफी उस टाइम पे तो काफी डिसहार्ट हुआ है, क्योंकि कहने के जैसे कह रहे कि एक स्टेप पे था पाकिस्तान खेलना उस टाइम पे, तो एक आपने जो गोल सेट किया होता है उसकी चीज कह लें बस उसको ग्रैब करने वाला एक पॉइंट आ जाता है उधर से आप तो नोवेयर हो, तो काफी मुश्किल हो जाता है। उस टाइम तो साल 1-1.5 साल तो बहुत टफ गुजरा था मेरा, इवन इंजरी का पूरा टाइम ही बड़ा टफ गुजरा था, मतलब उठते बैठते सोते जागते वही जेन में रहती थी। फिर ऊपर से वो नी इंजरी रही भी मुझे, मतलब 1-1.5 साल तो मैं चलता भी लिम करके रहा हूँ ना, मतलब इधर इतनी वो हमारा इतनी जल्दी डायग्नोज भी नहीं हुई कि प्रॉब्लम क्या थी, तो थोड़ा टाइम लग गया उसमें भी, 6-8 महीने लग गए। फिर डॉक्टर ने मुझे 2-3 महीने का वैसे बेड रेस्ट दिया, तो 1-1.5 साल इसी तरह लग गया, तो वो कदम ब कदम वो दर्द भी फिर याद कराती थी कि किस वजह से। वो काफी डिसहार्ट हार्ट ब्रेकिंग चीज थी, मतलब उसको अब्सॉर्व करना इतना ईजी तो नहीं था, वर्ड में तो नहीं बयान कर सकता, पर अल्लाह ताला ने फिर सही बात है, टाइम गुजर जाता है जिंदगी पर आसान, यही लाइफ का सर्कल भी है चीजों को, फिर आस्ता आस्ता फिर अल्लाह की तरफ भी रुझान होता गया, तो फिर उसका बियर करना आसान हो गया चीजों को, जितना फिर सही बात है फिर आपको अपने हालात आपको टफ कर देते हैं। डेफिनेट नहीं, वैसे आपको अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो बहुत से यंगस्टर होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं, दे वुड you know love to be in your shoes ke yaar itni performances di hain, under 19 bhi pakistan ki taraf se khele, represent kiya department mein khele aur performance bhi achhi di hui hain, to aap us tarike se dekhe to mashallah you done well. Aaj stats wise to waqai wo mere bade bhai bhi karte hain, itne to wale stats tak kami logon ke hain, strike rate se wo bhi bade bhai bhi wo strike rate se mere bade impress hote kehte itna strike rate to bahut kam hai first class mein. नाम तो आपका सुना हुआ था, जो सच्ची बात है जब मैं 95 में आ गया था तब तो आप शायद 9-10 साल के थे,
तब मैंने आदि 2002 में फर्स्ट टाइम 19 खेला था, तो उस टाइम नाम आप सब के सुने हुए थे, आपका राणा क्यूम भाई का, माजिद सईद थे भाई, तारिक साईं थे, और एक बिलाली और इनका इनके नाम का भी सुना, तो फिर बाकी जो पीछे रह गए थे उनके साथ अल्लाह ताला का शुक्र है क्रिकेट खेल ली थी, मजा एंजॉय भी किया, दो तीन भाई राणा क्यूम भाई, माजिद सईद भाई और तारिक साईं भाई के साथ इनके अगेंस्ट भी खेले, फिर इनके साथ भी खेले, क्योंकि दोस्त एक साथ एसोसिएशन का मिल गया था तो उसमें फिर इनके साथ खेले थे। हाँ नहीं, वो माशाल्लाह आपके परफॉर्मेंसेस काफी, जो मैं इंप्रेस हुआ हूं आपके स्टैट्स को देख के, तो वेल डन यार। थैंक यू। आप गुजरांवाला के क्रिकेट खेले हो काफी, आपने देखा है बहुत से बैट्समैन को, आपकी नजर में गुजरांवाला का सबसे बेस्ट एवर बैट्समैन कौन रहा है, किसी भी एज का हो? वो मुझे दो बैट्समैन बहुत इंप्रेस किए, बाकी पहले तो नहीं मैंने देखे, एक तारिक भाई, तारिक साईं जिनका कहते हैं, तारिक तीजे भाई, तो वो उनके अगेंस्ट मैं 3-4 क्लब मैचेस खेला था, तो वो जिस तरह मिड ऑफ सिंगल भी करता था ना, तो वैसे लगता है कि गेंद के फील्डर को फाड़ देगी, और उनके बैट से जैसे बॉल निकलता ना, वो मतलब ऐसे लगते जैसे कोई आग निकली है, तो वो एक वो और एक मेरे साथ खेला था बैट में, वो बिलाल अजमत, तो ये मतलब ये दो प्लेयर मतलब बैट्समैन और भी अच्छे थे, और भी काफी बड़े नाम है गुजरांवाला के, पर मतलब ये दो, इन दो में काफी सलाहियत थी। हाँ जी, ये मुझे बहुत पसंद है इन दो की, बाकी भी और भी बड़े बड़े अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम गुजरांवाला के क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकते हैं? गुजरांवाला की क्रिकेट लेग पुलिंग बहुत है, गुजरांवाला की क्रिकेट सियासत बहुत है, खैर पूरे पाकिस्तान में ही हर जगह ही है ये, हालांकि जो हमारा और हमारे गुजरांवाला में बहुत टैलेंट है, शुरू से ही रहा, आपके टाइम से भी रहा, उससे पहले भी रहा, अभी भी स्टिल बहुत है लोग, मतलब आपको काफी टैलेंटेड प्लेयर नजर आते हैं अभी भी, बच्चे पीछे टूर्नामेंट एक तो T20 में यंग लड़के काफी अच्छे अच्छे, तो टैलेंट है, ऊपर बस थोड़ी बदकिस्मती होगी, रीजन बन गए, रीजन की वजह से फिर गुजरांवाला का पहले ही ऊपर से कोई हमारा तब आगे था, टेस्ट प्लेयर नहीं निकला हुआ था, जो मतलब वो भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज हो जाता अगर आपके शहर का कोई टेस्ट प्लेयर खेल रहा हो तो, क्योंकि लॉबी पाकिस्तान में क्रिकेट लॉबी की है, आप परफॉर्मेंस तो चाहिए ही है, पर परफॉर्मेंस के साथ फिर अगला स्टेप आपकी लॉबी आ जाती है ना, तो फिर लॉबी आपकी तब होती है ज्यादातर, तो जैसे अब आपके अब जैसे हसन और हसन अली वगैरह खेल लिए, तो जो नहीं आगे आने वाले फ्यूचर में गुजरांवाला के प्लेयर्स को हेल्प करेगा ये लोग भी, ये भी क्योंकि ये भी ट्रेंड सेटर रहे हैं, फिर आगे से आगे ऊपर टीम में होते हैं तो इनकी सहींग से ही लड़कों के भी नाम बन जाते हैं, अगर खुदाई बात जब कोई आ रहा 19वीं तो इनको पूछते हैं लोग, हाँ भाई हमारे शहर से के बारे में पूछते हैं। तो अभी अली इमरान पाशा अगली जनरेशन को हेल्प करने के लिए गुजरांवाला की क्या कर रहा है, आप कोई अकेडमी चला रहे हैं या आपके माइंड में है कुछ कि जो यंगस्टर इस वक्त को जो इमरान पाशा बनने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, उनको वो एडवाइस मिल सके और गाइडेंस मिल सके जो हम लोगों को या आपको नहीं मिली ऑन टाइम? उस्ता कोचिंग की तरफ तो मेरा इतना अभी तक रुझान नहीं है मुझे, मतलब तो भी आना, मुझे कोचिंग फील्ड बड़ी बोरिंग लगती है शुरू से ही ना मैं शुरू से कहता था मैंने कभी कोचिंग की तरफ नहीं आना तो, पर ये कि आप किस मैच्योर स्पेशली असल में उधर बोरिंग लगती थी जब आप इंग्लैंड में बच्चों को करनी पड़ती थी, तो उनको इतना नॉलेज, जिनको नॉलेज थोड़ा बहुत होता उनको बताने का फिर मतलब ईजी हो जाता है आपको बताना, यह कि इधर लड़के आते रहते हैं पास, पूछते हैं जो पूछता जो उसको गाइड कर देते हैं बता देते हैं, तो ये कोई आता है तो उसको बताता हूँ, फ्यूचर अभी कोई इस बारे में माइंड नहीं बना हुआ कोचिंग कर रहा हूँ, या कि लोकल क्लब में जो साथ खेल होते हैं अगेंस्ट जो क्लब में भी तो लड़के पूछते हैं, इवन मैं खुद भी किसी में देखूँ तो अच्छा लगे तो उसको बताता हूँ, तो ये है कि इतनी हद तक सपोर्ट तो करता हूँ, अगर कोई आता तो उसको जरूर बताता हूँ। नहीं डेफिनेटली हमें करना चाहिए, हमें अपने शहर में इज्जत दी हुई है, और कई दफा ऐसे होता है कि कोई यंगस्टर है जो उनको टाइमली गाइडेंस बस मिल जाए ना, मैंने तो हर किसी ने अपनी करनी है, लेकिन हम लोग उनको टाइमली गाइडेंस बस मिल जाए कि यार ये आप ठीक काम है ये कर लो,
तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो कल को हो सकता है कि किसी का एक बंदे का भी कैरियर बच जाए और बन जाए तो बिल्कुल इसी तरह पता नहीं होता किस टाइम बंदा कहाँ से कहाँ चला जाता, तो ये अगर मेहनत जो करते रहते हैं उनको उनको फिर बताने का भी मजा आता है बंदा कोई जिसका जो आपसे लेना चाह रहा हो कुछ ना। आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? ये यंगस्टर्स के लिए आजकल तो यही है जी कि अब तो जब हमारी टाइम की क्रिकेट तब ज्यादा टैलेंट को ही फोकस किया जाता, अब ज्यादा जो क्रिकेट है वो आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है, आपको जो था उस पे ज्यादा फोकस किया जाता बजाय कि आपके टैलेंट पे। और वो ठीक भी है कि जाहिर बात है आप अगर 100% फिट हो तो तब भी आप अपने टैलेंट को शो कर सकते हो उसको, बल्कि उससे भी ज्यादा उसको एक्सपैंड कर सकते हो अपने लिमिट्स को आप जितने भी फिट होंगे। तो जो से एक तो फिजिकल फिटनेस इम्पोर्टेंट है, फिर दूसरा बॉलिंग भी आपको चाहिए। आजकल की वजह ज्यादातर ये है कि बॉलिंग कम करते हैं और ये जिम वर्कआउट ज्यादा करते हैं, हालांकि जो सा आपको बॉलिंग ज्यादा चाहिए जिम वर्कआउट आपको फिटनेस स्पोर्ट के लिए चाहिए, तो ये दोनों चीजें करनी चाहिए मेहनत। बाकी ये है कि गोल अपना सेट करना चाहिए, फिर जाहिर बात आपका भी गोल सेट होगा तो आप फिर उस हिसाब से मेहनत करोगे, गोल के बगैर आप मेहनत नहीं कर सकते। और अपने आप को फोकस रखने के लिए आपको ये गोल सेट करना पड़ता है, तो मतलब और जो भी आप गोल सेट करें उस पर बिलीव रखें, क्योंकि वो आपके बिलीव से ही फर्क पड़ता है, वो चीजें असर करती हैं। अल्लाह ताला भी कहता है ना कि जैसा बंदा गुमान करता है तो मैं उसके साथ वैसे मामलात करता हूँ। तो अगर आप अपने ऊपर सबसे पहले बिलीव रखना शुरू करें फिर प्लस मेहनत आ जाती है, फिर अल्लाह ताला रास्ते बना देता है आपका। और आजकल मैंने देखा सारे हमारे प्लेयर अपने बिलीव से ज्यादा ना वो दाएं बाएं वाले रास्ते तलाश कर रहे होते हैं कि यार मैं किस तरीके से खेलूंगा। तो पहली चीज है शॉर्टकट, आप अपनी अपनी जो एबिलिटी है उसको पूरा कर उसमें उसको इतना एबिलिटी क्रिकेटिंग एबिलिटी पे बिलीव करें, फिर बाकी रास्ते आप अच्छे हो गए तो लोग खुद आकर आपको बाजू पकड़ेंगे, आओ यार चलो इधर चलते हैं, तो अल्लाह ताला रास्ते बना देता है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच यार आपके टाइम का, और माशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छा जो कैरियर रहा और वेल डन फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, आपने भी इज्जत बख्शी मेरे लिए भी, रात की बात है आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं आपका नाम नहीं, माशाल्लाह यार यू डिजर्व दैट यार, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया आपके साथ इंटरव्यू करके। ठीक है, कीप इन टच इंशाल्लाह। हां जी इंशाल्लाह, हां जी इंशाल्लाह, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और तो इंशाल्लाह बस रابطे में रहेंगे अभी इंशाल्लाह। सलाम दुआ तेरे के साथ, शुक्रिया आपका भी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, ओके जी, अल्लाह जी। नाजरीन तो आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह करें ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से पेश कर सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू गेस्ट विद अ न्यू स्टोरी।